नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले माफी मांग ले रहा हूं आप लोगों से कि क्यों कुछ अगर मैंने बुरा कह दिया हो, किसी को अगर आहत पहुंची हो इस वीडियो से, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बट स्टिल मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। ये देखो, वीडियो का आप थंबनेल या टाइटल देख सकते हो जिसमें लिखा है कि क्या शहर से भाग के गांव में आप कोरोना से बच सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग के माइंडसेट में यह है कि अगर मैं दिल्ली से चला गया, मुंबई से चला गया या फिर कोलकाता से घर चला गया तो मैं कोरोना से बच जाऊंगा। बट मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन आपका है ना, ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। हो सकता है कि 10% प्रोबेबिलिटी हो कि आप कोरोना से बच जाओ या 90% प्रोबेबिलिटी हो कि आप कोरोना से बच जाओ, ठीक है ना। लेकिन वहां पे अगर 1% भी चांस है आपको ना कि आपको कोरोना हो जाएगा, तो ये आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा और सबसे बुरा दिन होगा। क्योंकि सोचो, अगर आप सिटी में रह रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर सिटी में हो या कहीं पे रुके हुए हो, सिटी में कोरोना का इलाज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां पे आपको कोरोना हो गया तो आप क्या कर लोगे? आप कहोगे अरे यार मेरे को गांव में कैसे कोरोना हो जाएगा। आप जिस सिटी से जा रहे हो, सिटी में कौन आपसे मिल रहा, आपसे बस में कौन मिला, आपसे गाड़ी में कौन मिला, ट्रेन में कौन मिला, रास्ते में कौन मिला, कहां पे आपने चाय पिया, कहां पे आपने फ्रेश हुए, किसको कोरोना हो जाए कुछ पता नहीं। आपको पता है एक हॉस्पिटल में 2 दिन के बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसकी मां उस बेड पे लेट गई थी जिसपे वो कोरोना पॉजिटिव का कोई पेशेंट लेटा हुआ था, और बेड क्लीन होने के बाद भी ये कहानी आ गई, उसकी मां और बच्चा दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप गांव में भाग जाओगे तो कोरोना से बच जाओगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिचुएशन है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जो शायद मैं भी ना समझ पा रहा हूं, लेकिन हाँ, खाने पीने की दिक्कत वो है। मैं इस बात को अग्री करता हूं, मानता हूं कि हाँ, खाने पीने की आप लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं, जिससे जितना बन पा रहा है वो उतना डोनेट कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, और गवर्नमेंट भी, हर स्टेट की गवर्नमेंट आई थिंक सहयोग कर रही है। पहली बार ऐसा मैंने अपनी आंखों के सामने इंडिया में देखा है कि हर पार्टी और हर नेता और सब कुछ भुला करके अब सिर्फ देश प्रेम की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब उठा करके। तो जमात वाली बात को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं अभी करंट टाइम में। तो कोई पॉलिटिकल मुद्दा न लेते हुए मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, जो लोग शहर में रुके हुए हैं, प्लीज लॉकडाउन को फॉलो करो। अगर आप जिंदा रहोगे, आप सेफ रहोगे, तो आपकी फैमिली जो गांव में है वो भी अच्छे से रहेगी। अगर आप कोरोना वायरस लेकर के वहां चले गए तो पूरा गांव पॉजिटिव होगा, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, और कोई बचाने वाला डॉक्टर नर्स वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी परेशानी है यहीं झेल लें, कभी कहीं पे खा करके किसी दोस्त से मदद लेके, किसी भी तरह से मदद लेकर के, या किसी तरह से अपने आप को यहां पे रोके और अपने आप को सेफ रखें, लॉकडाउन का पालन करें। बड़ा मुद्दा है, लंबा झेल जाएगा जो बंदा इस लॉकडाउन को और अदर चीजों को फॉलो नहीं किया, और उसकी फैमिली भी झेलेगी। एक ऐसा चीज है जो आपके बस में नहीं है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हर बात में गांव जाने की बात करते हैं वो ऐसा मत करें। ऐसा नहीं है कि गांव में जाके आपके कोरोना नहीं होगा और कोरोना से आप बच जाओगे। ये एक चैन प्रोसेस है, अगर एक को हुआ, एक के बाद एक श्रृंखला बनती जाएगी और होती जाएगी। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जहां भी रहें अपने आप को सेफ रखें और मास्क लगाते रहें, सैनिटाइजर से अपना हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर लगाते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें। और उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो इसे 10 लोगों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि 10 लोगों तक और बात पहुंच जाए हमारी। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।